गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चिल बाबा चिल। गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग भैया 212 में 6 चाय। चाय पी लो गाइस, चीयर्स। एक नंबर। तो गाइस यार अभी हमें उत्तराखंड के अंदर और अभी जो है कल सौरभ भाई से मिले थे और अभी हम सौरभ भाई के साथ में जाएंगे घूमने। घूमने जाएंगे कहाँ पर? नैनीताल। जी हाँ गाइस, वैसे जो है आमतौर पर हम इस टाइप की व्लॉग वीडियोस नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड के अंदर है, यहाँ पे आए हुए हैं तो घूमना भी। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जब तक उत्तराखंड में हो तो हमें सारा व्लॉग दिखाओ। तो चलो चाय खत्म करते हैं, सौरभ भाई से मिलते हैं, फिर चलते हैं नैनीताल। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई, हम तो रेडी हैं। रेडी हैं? हाँ। तो कब तक आ जाओगे फिर? अब बताओ। आ जाओ, हम भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, आ जाओ। ठीक है, हम भी निकलते हैं 10-15 मिनट में। ओके आ जाओ भाई, आ जाओ। अबे जल्दी करो, वो तो रेडी हो गए, जल्दी 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 फटाफट पैक करो सारा सामान जल्दी। नैनीताल 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 नैनीताल। भाई यहाँ पे तो नेट चल नहीं रहा, सौरभ भाई के यहाँ पे लगा हुआ है फाइबर, ठीक है? तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से वाईफाई लेते हैं और फिर वहाँ से नेट लेते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। चलो आ जाओ। चलो मोटा, चलो चलो। 9:53, मोटा गाड़ी चला रहा है, दिनेश पता नहीं क्या कर रहा है, रवि गोली खा रहा है, बाबा चिल चिल चिल। बस एक डायलॉग है, डायलॉग में थोड़ा परिवर्तन लाया जाए, पीछे दो बंदे बैठे हुए, हाँ हाथ हिला दो, गर्दन दिखा दो, ठीक है? और अभी अपन चल रहे हैं सौरभ भाई के घर पे सीधा दोबारा से। दवाई लेने का टाइम हो गया, दवाई लेते हैं। दवाई कौन सी है, कहाँ पे रख दी मैंने? यहाँ पे, ये रही नेक्स्ट प्रो एल। ये पहुँच गए अपन सौरभ भाई के घर पे, सौरभ भाई वीडियो शूट कर रहे हैं आगे। गुड मॉर्निंग पीयूषी, क्या कह रहे हो? पेट में ही डाल लो, कुछ नहीं होगा। टॉफी पेट में निकल लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा आप कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। ओ तेरी यूकेजी में हो, हाथ मिलाओ मुझसे। यह बॉडी सेकंड और यो भाई, वैसे मुझे डर लगता है भाई 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 भाई, भाई, भाई। अच्छा सही है, अगर अपन कुछ करते नहीं है तो ये भी कुछ नहीं करता है ना। चले मोटे, तो वो रे सौरभ भाई, वो उनकी थार जा रही है। मैं मुझे कुछ काम था गाड़ी के अंदर, तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया, अभी चलते हैं। चलो, तो साहिल भाई भी साथ में चल रहे हैं। मोटे तेल भरा ले, टंकी फुल करा ले पूरी, उधर पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं पहाड़ों के अंदर। यूट्यूबर लोगों के कैमरे चालू ही रहते हैं, देखो पीयूष का और सौरभ भाई का चालू है, हमारा भी चालू है। भैया ऑटो कट कर दो, अभी देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना तेल आता है। मोटे कितने का आएगा तेरे हिसाब से? अभी आएगा 4000 से ऊपर आएगा। 4000 से ऊपर, ठीक है मैं देखता हूँ। 300, 400, 500, 600, 6 लीटर आ गया अभी तक। मैं मिलवाता हूँ आपको इंडिया के सबसे छोटे व्लॉगर से। ये रहे सबसे छोटे व्लॉगर, देखिए कितने गौर से कैमरे को चला रहे हैं, गौर से देखिए शख्स को, बड़ा सिनेमेटिक शॉट ले रहे हैं, बहुत हम दोनों एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं। तो ये सबसे छोटे व्लॉगर, ये रहे इनके बड़े भाई साहब, बड़े व्लॉगर साहिल भाई अकेले आ रहे गाड़ी पे, ये भी व्लॉगर हैं, हम सब व्लॉगर हैं, हम सभी कैमरामैन हैं और हम सभी धूम मचाएंगे नैनीताल में। एक्सपेरिमेंट कौन सा करें? ट्रक व्रक लेके चले मछलियाँ बोटिंग, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं देखता हूँ गाड़ी के अंदर तेल कितना आया, अभी आ गया देखो 4000 से ऊपर आ गया। मोटे ने सही कहा था, मोटे 4000 से ऊपर आ गया, बस हो गया 4500 54 लीटर एग्जैक्ट हुआ है, 4675 रुपए 54 लीटर। 4000 का तेल डलवाया हमने, तुमने कितना डलवाया? तुमने कितना डलवाया? 90 रुपए का। पीयूष ने 90 रुपए का डलवाया। ये जगह है हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर और ये रहा हल्द्वानी का मार्केट। तो गाइस जिस मार्केट से होते हुए अपन जाएंगे नैनीताल, वो आगे देख रहे हो पहाड़, सामने की तरफ जो पहाड़ है ना वो देखो, बस उन्हीं पहाड़ों के अंदर है वादियां, नैनीताल सब उधर से होके जाते हैं अपन। चलो
भाई अंदर एंटर करने का टिकट लगा है 100 रुपए का और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। बाबा कैसी है ठंड? बहुत ज्यादा खराब है भाई। फुल चिल ठंड है तो। जैकेट मिल गया मेरे को। चिल वाली ठंड है। जैकेट लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, जैकेट लेना पड़ेगा। मेरे पास तो है, मेरे पास तो जैकेट है गाइस। मोटे के चमड़ी का जैकेट है, चमड़े का जैकेट है इसका तो कुदरती। इसको जैकेट दो बनाने पड़ेंगे। रवि को दो जैकेट बनाने पड़ेंगे। देखो एक ही वक्त पे राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है। यहाँ पे सर्दी है सही में, ठंड है यार जोरदार वाली। ये पता नहीं भाई सौरभ भाई कहाँ लेके जा रहे हैं हम, अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं हम नैनीताल के अंदर, गली गलियों के अंदर से घूमते हुए। अच्छा पार्किंग, ओ भाई साहब नैनीताल की पार्किंग गाइस बहुत बड़ी पार्किंग है वो देखो। तो गाइस अभी हम खड़े हैं नैनीताल की पार्किंग के अंदर। बाहर एसी लाग रही है, मन तो जैकेट दे तुम जरा। अडे सी है -45 डिग्री सेल्सियस को पारो एड है। जरा भी जैकेट फेल है, ला जाओ घुमा लिया, ला मैच दिखा लिया और बड़े बाद में पानी पता से खाओ आप। वाह यार भाई पहाड़ों के अंदर इतना बड़ा मैदान होना है ना बहुत बड़ी बात है। और उधर देखो उधर रही झील, वहाँ पे भी बोटिंग करेंगे। बाबा इंडिया 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 इंडिया। मोटे यहाँ पे तो अभी भुट्टे हैं, हमारे वहाँ पे तो अभी गर्मी नहीं है, हाँ सॉरी गर्मी है, सर्दी खत्म होने वाली है तो अभी तो हमारे यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ का सीजन है और यहाँ पे भुट्टे यहाँ पे 24 महीने 24 महीने रहते हैं। 24 महीने होते हैं क्या वैसे साल में? हाँ सौरभ भाई एक बार ही बताना, सौरभ भाई बोलते 24 महीने रहते हैं यार, मतलब रात के भी अलग महीने घूमते चने 10 के 3 10 के 3 चने आ जाओ चने। यहाँ पे है नगर पालिका परिषद नैनीताल चिल्ड्रन पार्क, अंदर चलते हैं। अंदर क्या है आ जाओ। क्या लूँ गुब्बारे? कितने रुपए के? 10 का एक है। चलो रवि पैसे दियो, खुले नहीं है पूरे ही रख लो। लो फाइनली फिक्स हो गया, अब करेंगे बोटिंग। तो भाई लोगों के साथ जा रहे। भैया किधर आना है? इधर। ये टिकट है 210 210 210, 3 टिकट है 7 जनों की। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसका पानी ठंडा है या फिर गर्म। अरे भाई बहुत ठंडा है, बर्फ है बर्फ। ओ यार बर्फ है बाबा, हाथ में ले बर्फ है तो। बाकी इसमें यार मैं कूद तो जाऊं, भले क्या कूद तो जाऊं लेकिन तब जब ये राजस्थान हो, बाहर निकलते कुल भी जम जाएगी। अरे हम नैनीताल की झील के अंदर झूल रहे हैं, अभी उधर वो झूल रहे हैं। ये भाई साहब पतवार चला रहे हैं। तो भाई साहब नाम की है आपका? प्रमोद सिंह पवार। जय माता की। नाम है अपना? इसका भी यही है। इसका भी यही नाम है? क्या बात है, कहाँ से हो? नहीं नैनीताल। अरे यार मैं भी यहीं से हूँ। अरे वो तिरछा मत हो। अरे एक साइड ज्यादा हो, एक साइड ज्यादा वजन होता है, एक साइड झुकती है। और जी कितनी गहरी है ये? ये होगी करीब 140 फीट। तो बाबू जी इसमें पानी कहाँ से आता है? गैस करो। नदी से? नहीं, बर्फ का। बर्फ का, बर्फ का नीचे स्रोत है, कुआ। अच्छा नीचे कुआ है, जैसे कुओं के अंदर पानी आता है वैसे झील के अंदर पानी आता है। यही पानी पिया जाता है होटल में। ये पानी? अरे वाह, फिल्टर होता होगा? ऐसे भी पिला देते हैं कभी कभी। अच्छा ऐसे ही पिला देते हो? गेस्टों को ऐसा पानी पिलाते हो? गेस्ट क्या, सब एक इंसान है। हाँ ये बात भी सही है, कुदरत अलग अलग है। हाँ ये बात भी सही है, सब एक जैसे बन जाता है और तो परेशान हो जाती ना। अंकल भी चिल, अंकल चिल है, फुल चिल है अंकल। ये तो 9 बॉल पे चक्का मार रहे हैं। चक्का मार दिया हमने 21 साल पहले। भैया बोटिंग हो गई, बाबा गिरा देता मुझे। ये मॉल रोड है और सौरभ भाई ने और हमने डिसाइड किया कहाँ चल रहे हैं, नैना पीक। वो उधर देखो उधर वो पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे और वहाँ पे जाना पड़ेगा थोड़ा गाड़ी से थोड़ा पैदल, ऊपर चलेंगे मजा आएगा। ने बटर स्कॉच ली, मैंने बटर स्कॉच ली, सौरभ भाई चोकोबार ले रहे हैं। पीयूषी कौन सी ले रहा है तू? चोकोबार है। बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों से मिले, बहुत सारी फोटोज क्लिक की। अभी चल रहे हैं नैना पीक के ऊपर, ये घोड़ा मोटा पहाड़। अरे बस मोटे, बस मोटे, बस बस मोटे, बस भाई थोड़ा सब्सक्राइबर से मिलने की वजह से थोड़ा देरी हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सौरभ भाई इधर चल रहे हैं। ओ ये रास्ता जोरदार है यार, तो जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक गाड़ी ले जाएंगे, उसके बाद के अंदर रुक के वहाँ से पैदल चलना पड़ेगा तो पैदल ले जाएंगे। तो बाबा गाड़ी पार्किंग में लगा दी यहाँ पे, यहाँ से अभी मेरे हिसाब से पैदल चलना होगा। बहुत ऊपर आ गए, बहुत 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 ही ज्यादा ऊपर आ गए। ठंडी लग रही है, ठंड लग रही है यार बाबा, यहाँ पे तो ठंड है यार। गाइस यहाँ से होती है ट्रैकिंग स्टार्ट, आधे रास्ता में चढ़ चुका हूँ, वो कुछ खाने पीने के लिए ले रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस सबसे आगे भूपेंद्र और मैं, और हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, पड़ रही है। चिप्स कर रहा है। हाँ यार तू भी खा तो दे बस। चलो
थोड़ा और आपको दिखाते हैं आगे का नजारा भाई, और यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है। कैमरामैन थक गए यहाँ पे, वहाँ पे साहिल भाई और नीचे जो है सौरभ भाई, ऊपर बाबा डांस कर रहा है, पता नहीं इसको क्या नशा चढ़ा है उसका। मनीष ऊपर चला गया, यहाँ कोई शेर वगैरह आ गया ना तो मेरे को तो ऐसे ही खा जाएगा, मेरे साथ नहीं होगा। अरे यार पीयूषी तुम्हें तो सबसे आगे होना चाहिए था, ये आगे, ये हम थका देंगे तुम्हें ना, जोश ही जोश में चढ़ा के। पीयूषी भाग, मैं तो बैठूंगा और बैठ जा, हम आगे निकल जाएंगे तुझसे। निकलो मेरे क्या? वाह यार वाह वाह क्या नजारा है, वाह। हेलो, आवाज एक हो रही, एक हो रही, वाह यार पूरे पहाड़ों तक गूंज रही आवाज खतरनाक तरीके से। गाइस स्पेस आपके सामने बर्फ, नैनीताल की बर्फ, तो यहाँ से जो है फिसलन भरा रास्ता शुरू हो जाएगा। इतनी ऊपर आ गए, इतनी ऊपर भी देखो लाइट आ रही है यार, बिजली के खंभे हैं। और बंदर दिखाओ, बंदर, ओए बंदर हो चिल्लाओ, सही कहते हैं यहाँ पे स्वर्ग से हवा आती है भाई, सही बात है। लेकिन एक चीज का मुझे अफसोस है, आई मीन ताज्जुब है, कि इतने ऊपर भी कोई मकान है और यहाँ पे कुछ है। बाबा यहाँ पे क्या है, मंदिर है या क्या है? यहाँ पे जो छात्री आते हैं, मतलब अच्छा अरे वाह यार ऊपर ये देखो, हम हाईएस्ट पीक पे आ गए। मैं बड़ा ऊंचा फील कर रहा हूँ इस उतनी ऊंचाई पे आके। और सौरभ भाई आपको कैसा लग रहा है इतना ऊंचा आके? मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया नहीं यार, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ एक्चुअल में। हाथ मिलाओ इस बात पे, इस बात पे हाथ मिलाया जाए। गाइस अभी बस कुछ ही देर का रास्ता और है, फिर हम बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएंगे। बाकी यार देखो वादिया वादिया माता की बैरजराज की राजस्थान के छोरे हैं, नहीं रावत का मैं छोड़ा ना थोड़ा थोड़ा। बाकी गाइस देखो पूरा पहाड़ के टॉप पे है अभी, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। चाहे कोई मुझे गाइस आगे पता है क्या है, आगे से आगे है ना पूरा नैनीताल का व्यू आएगा। अभी तो क्या पेड़ ही पेड़ इधर, बाकी उधर देखो पूरा हिमालयस का व्यू है, और इधर आगे नैनीताल का व्यू आएगा पूरा। मुझे तो नहीं पता, सौरभ भाई बता रहे थे इसीलिए। आयो रे आयो रे आयो रे, वाह यार गाइस इधर देखो, धीरे धीरे गाइस यहाँ का व्यू देखो, पूरा नैनीताल दिखाई दे रहा है यहाँ से, वाह यार। इस व्यू की हम बात कर रहे थे, और यही देखने के लिए इतनी मेहनत की, पूरा हाईएस्ट टॉप पे है देखो, इससे ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। साहिल भाई क्या जगह है यार, कैसा लगा? यार मजा आ गया, सही बात है, यहाँ स्वर्ग से हवा आती है ना, सही बात है यार, एक नंबर। गाइस वो देख रहे हो, वो उधर पूरा हल्द्वानी रुद्रपुर वो मैदानी इलाका है, इधर पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। साहिल भाई इधर से आगे फिर क्या अल्मोड़ा वगैरह और वो सब गांव आते हैं, है ना, अलग अलग गांव आते हैं। बाकी ये जगह देखो यार, पूरा नैनीताल देखो यहाँ से, एक नंबर। वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पे अपनी गाड़िया खड़ी है। गाइस अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन का व्यू देते हैं, फिर देखो यहाँ की खूबसूरती। ये थी नैनीताल के इस वीडियो की एंड, और ये थी वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बहुत प्यारी जगह है। अगर कभी नैनीताल आओ तो थोड़ी ट्रैकिंग करना, यहाँ पे आना, यहाँ से देखो पूरा नैनीताल का व्यू आता है, नीचे तो मजा है, ये यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सुकून है। वो कहते हैं ना यहाँ पे स्वर्ग से हवा आती है, तो वो सही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा लाइफ को जीते हैं यार, काम को थोड़ा सा साइड में रख के। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।